अगला दोस्तों, आज ना सिंचैन का बर्थडे है। आप उनको बोला है सिंचैन शाम को आने के लिए? चल के पूछता हूँ। रिंकू को बोला है कि नहीं? आयला, रिंकू का घर किधर है? आयला जल्दी से रिंकू के घर चलता है अपन। आयला रिंकू के घर पहुँच गया। आयला रिंकू सॉरी तुझे लग गया। अरे पागल है क्या, थोड़ा संभल के दरवाजा खोला कर यार बनी। आयला सॉरी यार, जानबूझ के नहीं किया। तुझे क्या सिंचैन ने दावत दिया है क्या? आज उसका बर्थडे है। अरे मुझे तो दिया है, अभी शाम को है ना। आयला रिंकू उसने बताया था कि उसके मॉम डैड उसे टॉय गाड़ी दे रहे हैं, चल देखते हैं। अरे हाँ चल 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 देखते हैं उसकी मॉम ने कैसे टॉय गाड़ी लाई है। हमारे पास तो टॉय गाड़ी ही नहीं है, इस एरिया में सिर्फ सिंचैन के पास ही टॉय गाड़ी होगी। चल चलते हैं। आयला चल चलते हैं, इसीलिए अपुन तेरे पास आया है। आयला चल मेरे पीछे पीछे आ फटाफट, अपुन सिंचैन के घर चलते हैं। हाँ तो फाइनली हमने अपने बेटे सिंचैन के लिए ये टॉय गाड़ी गिफ्ट कर दी है। अभी हमारा बेटा सिंचैन सो रहा है, चलिए हम दोनों उसे साथ मिलकर उठाते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। मेरे बेटे की गाड़ी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स करके बताइएगा। हाँ रीटा चल के हमें अपने बेटे को बर्थडे विश करना पड़ेगा। चलो हमारा एक ही बेटा तो है, आ जाओ अंदर मेरे पीछे चलते हैं। अरे बेटा सिंचैन उठ जाओ, सुबह हो गई। हैप्पी बर्थडे सिंचैन, जियो हजारों साल। मेरे लाल उठो, मैं तुम्हारे लिए टॉय गाड़ी लेकर आया हूँ। हाँ बेटा उठो, हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे सिंचैन, उठो सुबह हो गई है, हम तुम्हारे लिए एक टॉय गाड़ी लाए हैं। अरे सच्ची में मम्मा, हतिया मुझे देखने दीजिए, कहाँ है मेरी टॉय गाड़ी? अरे बेटा बाहर खड़ी है। अरे हतिया 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 मम्मा मुझे देखना है अपनी गाड़ी। अरे वाह दोस्तों इतनी प्यारी गाड़ी है। आज और बेटा देखते हैं सिंचैन का रिएक्शन, वो कैसा रिएक्ट करता है। बेटा क्या तुम्हें ये गाड़ी पसंद नहीं है? हम तुम्हारे लिए सरप्राइज करना चाहते थे, इसीलिए तुम्हें बिन बता ये टॉय गाड़ी हम खरीद कर ला के दिए तुम्हारे बर्थडे पे। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो चल के इसे हम चेंज करके तुम्हारी पसंद के लाते हैं। हाँ बेटा अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम इसे चेंज कर देते हैं, जो तुम्हें पसंद हो तुम वही ले लो। अरे नहीं मॉम ये तो बड़ी प्याली है, बैठ के देखता हूँ थोड़ा सा, ये तो बहुत अच्छी है। अरे बेटा संभाल के। अरे मॉम मैं बच्चा नहीं हूँ। अरे वाह ये गाड़ी तो बड़ी अच्छी है, ये तो मेरी पूरी जिंदगी का बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट है। आई लव यू मॉम डैड, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग अगर नहीं होता तो मेरा क्या होता, मैं आप दोनों के बगैर कभी नहीं जी सकता और आपके बिना भी डैड। हाँ बेटा तुम हमारे इकलौते बेटे हो, इसीलिए हम तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तुम कभी कोई चीज के लिए परेशान मत होना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वो तो पता है डैड, आप लोग बहुत प्याले हैं। आयला जल्दी चल, नहीं तो सिंचैन चला जाएगा लेके घूमने। आयला सिंचैन हैप्पी बर्थडे सिंचैन, आयला तेरी गाड़ी तो बड़ी प्यारी है सिंचैन। अरे हाँ यार दोस्तों सिंचैन की वाकई पे गाड़ी तो बड़ी प्यारी है, हैप्पी बर्थडे सिंचैन। अरे तुम सबका शुक्रिया यार दोस्तों, तुमने मुझे बर्थडे विश किया। रात को केक खाने जरूर आना मेरे घर, मेरे डैड बहुत बड़ा सा केक मंगाया मेरे लिए, कम से कम 5 मंजिला, क्योंकि मैं 5 साल का हो गया हूँ ना दोस्तों। आयला तेरे मॉम डैड तुझसे कितना प्यार करते हैं सिंचैन, तेरे लिए 5 मंजिला केक और इतनी अच्छी टॉय गाड़ी। अरे हाँ सही बात है, तू सही कह रहा है यार बनी, इसके मॉम डैड बहुत प्यार करते हैं। हमारे मॉम डैड तो सिर्फ हमें छोटी मोटी गिफ्ट करते हैं, इसे तो इसके मॉम डैड टॉय गाड़ी गिफ्ट करते हैं और 5 मंजिला केक भी। तू बड़ा लकी है यार सिंचैन। अरे हाँ मैं तो लकी हूँ क्योंकि इतने अच्छे मेरे मॉम डैड हैं। बेटा बेटा मुझे क्या हो रहा है, बेटा मुझे क्या हो रहा है अजीब से। मॉम मॉम आपको क्या हुआ? मॉम मॉम उठिए मॉम। अरे अरे ये मुझे क्या हो रहा, मुझे क्या हो रहा है? डैड आपको क्या हुआ? उठिए डैड, डैड मॉम उठिए, मेरे मॉम डैड को क्या हुआ? मॉम डैड उठिए। अरे बाप रे इसके मॉम डैड तो मर गए, मुझे अपने घर जाना पड़ेगा फटाफट से। अपने घर जाके देखता हूँ मेरे घर में ये सब हो क्या रहा है यार, अचानक से सिंचैन के मॉम डैड क्यों मर रहे हैं? आयला वे सभी मर क्यों रहे हैं? आयला ये हो क्या रहा है? आयला चल के अपुन भी अपन घर भागता है, अपने मॉम डैड को देखता है अपुन के मॉम डैड ठीक है कि नहीं। आयला रिंकू तुझे क्या हुआ, तू यहाँ खड़ा क्यों है? आयला ये रिंकू को क्या हुआ? रिंकू उठ जा, रिंकू। आयला ये सबको क्या हो रहा है, सब मर क्यों रहे हैं? आयला मुझे घर भागना चाहिए जल्दी से। अकेले दोस्तों हो क्या रहा है, मेरे मॉम डैड को क्या हो गया? डैड डैड उठिए, डैड मॉम डैड, मैं अपने मॉम डैड के बिना नहीं ले सकता हूँ। मैम डैड उठ जाइए, अखिल ये हो क्या रहा है दोस्तों, सब मर क्यों रहे हैं, ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मजाक वा मजा, हम है कोरोना वायरस, सब इंसानों के शरीर के अंदर जाते हैं वायरस के जरिए और उनको खत्म कर देते हैं। इंसान को खत्म करना ही हमारा काम है और उनको अभी नहीं पता कि हमसे कैसे बचा जाए। मजाक वा मजाक वा। वो दोनों हस्बैंड आए थे अपने बिटुआ के लिए टॉय गाड़ी लिए और पागलन बिना हाथ धोए सैनिटाइजर किए चले गए और हम उनके शरीर में समा गए, उनका खा गए। अब उनका जोन जोन छुई वह सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे, सब मर जाएंगे।
ना भाई मजा आएगा आप सबका मारे मार। अरे चलो ना सबका आप खत्म कर देंगे, हम है कोरोना वायरस, हमारा कोई एंटीडोट नहीं है, हम सब इंसान को खत्म कर देंगे। बस एक ही चीज से बच सकता है कि इंसान हाथ धोता रहे और इंसान एक दूसरे से दूर रहे, पर इंसान को अभी ये सब नहीं पता, तब तक हम आदि इंसान को खत्म कर देंगे। चलो हमला करते हैं। अखिल हो क्या लाए दोस्तों, एक बाल में मेरे मॉम डैड सब प्याले मॉम डैड मल गए, मैं अनाथ हो गया दोस्तों। अब ये गाली किस काम की ले, मुझे जाके अगल बगल देखना चाहिए। आखिर इतना सन्नाटा क्यों है दोस्तों, यहाँ हो क्या रहा है, गाड़ी वाड़ी चलना बंद हो गई है, इतना सन्नाटा क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बनी बनी यहाँ क्या कर रहे हो बनी, अरे ये क्या, ये तो मल गया, ये तो रिंकू था ना यार, रिंकू कैसे मल गया यार, बनी बनी मुझे बताओ बनी रिंकू कैसे मल गया। अरे ए बनी बनी उठो, ये सब मल क्यों रहे हैं, लगता है कोई वायरस तो नहीं फैला यार दोस्तों, जिसकी वजह से ये लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। मैं क्या करूँ, मेरे साले दोस्त मल गए, मेरे मॉम डैड मल गए, मैं तो अनाथ हो गया दोस्तों, मुझे किसी से मदद लेनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँ, मुझे भी बचना है, अगर ये वायरस मुझे लग गया तो मैं भी मर जाऊंगा यार दोस्तों, मेरे मॉम डैड मेरा प्याला घर, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है यार चौप, अभी हमें पता चला है कि हमारे शहर में बहुत तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है और हमें मास्क लगा के बाहर जाना चाहिए और इंसानों से काफी दूरी बनानी चाहिए, नहीं तो ये वायरस सीधा हमारे अंदर जाता है और हमारी जान ले लेता है। तो अब मैंने क्या सोचा है कि मुझे सिंचान को ढूंढ निकालना है, क्योंकि सिंचान अपने मॉम डैड के साथ रह रहा था, पता नहीं उसे इस वायरस के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं पता है। तो चौप हम बाहर निकलते हैं, जितने भी इंसान है उन्हें कोरोना वायरस के बारे में बताते हैं और उन्हें सुरक्षित करते हैं, ठीक है ना। ओए बीड़ू फ्रैंकलिन, मैं तो सिंचान को बोला था कि अपने मॉम डैड को लेके यहीं पे आ जा, पर बेवकूफ आया है नहीं, पता नहीं उसका क्या हाल होगा, उसे तो इस वायरस के बारे में पता भी नहीं होगा। अपुन को बाहर नहीं जाना बीड़ू फ्रैंकलिन, नहीं तो अपुन को भी कोरोना लग गया तो अपुन भी एडमिट हो जाएगा और मर जाएगा, अपुन को नहीं जाना। क्या यार चौप, तू भी ना कर दी ना छोटी बात, अबे हमें अपने दोस्त को बचाना है और हमें सब लोगों को बताना है कि ये कोरोना वायरस है और हमें इसे कैसे बचना है, समझे ना। चल तू आ जा फटाफट मेरे साथ, अगर नहीं आता तो ठीक है तू घर पे ही रह, मैं जाता हूँ, मैं ढूंढ के लेके आता हूँ सिंचान को, उसकी फैमिली को और सारे लोग को अलर्ट करता रहूंगा, ठीक है ना। तो तू घर का ख्याल रखना चौप, मैं चला। ठीक है यार दोस्तों, आप लोग तब तक फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चला यार दोस्त, मैं अब मुझे फटाफट से चलना है, सिंचान को ढूंढना है। यार काफी सन्नाटा दिख रहा है, लगता है यार दोस्तों काफी लोगों को पता चल गया है कोरोना वायरस के बारे में, तभी इतनी रोड सन्नाटा है, गाड़ी है नहीं, ना ही इंसान दिख रहे हैं। अच्छी बात है, इंसान इंसान जितनी दूर रहेंगे एक दूसरे से उतना ही बचे रहेंगे। तो ठीक है यार दोस्तों, मुझे चलना है सिंचान को बचाना है यार दोस्तों, ना जाने सिंचान के मॉम डैड और सिंचान किस हाल में होंगे, और मुझे रास्ते में जो भी मिलेगा मुझे उन सबको बचाना है, मुझे उन सबको अलर्ट करना है कोरोना वायरस के बारे में, ये वायरस बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, आपको खुद ही पता होगा। तो ठीक है चलते हैं सिंचान के घर। अरे यार बारिश होने लगी, अब मुझे जाना चाहिए यहाँ से, वरना यहाँ पे वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है, मैं भी मर जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊँ यार दोस्तों, बारिश में कहीं छुपने की जगह नहीं है, मुझे इस जगह से निकलना है, यहाँ बहुत ज्यादा वायरस फैला हुआ है, देख ले दोस्तों पूरा रोड सन्नाटा है, यहाँ के सभी लोग अपने घर के अंदर है, लगता है सबको पता चल चुका है कोरोना वायरस के बारे में, मुझे भी कहीं जाके छुप जाना चाहिए यहाँ से दूर, मैं कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। ठीक है मैं यहीं खड़े हो जाता दोस्तों, क्या करूं, कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही कि मैं यहाँ से निकल सकूं, मुझे आज मेरे मॉम डैड की याद आ रही है दोस्तों, काश कि मेरे मॉम डैड मेरे साथ होते तो मैं इस तरीके बारिश में नहीं भीगला होता, मेरे लिए मेरे मॉम डैड कुछ न कुछ तो करते ही। मुझे यहाँ ठंड लग रही है यार दोस्तों, अब मुझे कहीं और अच्छी जगह सेफ जगह ढूंढ के छुपना पड़ेगा, ठीक है मैं यही खड़ा हो जाता हूँ, यहीं पे सही है, यहाँ पे बारिश की बूंदे कम पड़ रही है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ रही थी दोस्तों, मुझे मेरी मॉम याद आ रही है, अगर मेरी मॉम डैड होते तो आज मेरा ये हाल बिल्कुल नहीं होता, इस कोरोना वायरस में मेरे मॉम डैड मल गए यार दोस्तों, मैं क्या करूं, मुझे मेरे मॉम डैड की जरूरत है, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे जला से चोट लगती थी तो तुरंत धोले धोले आके पूछते थे कि सिंचान बेटा तुझे कहाँ चोट लगी, फटाक से दवा लगाते थे और मुझे गोद में ले लेते थे, मुझे इस तरह मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता था, मेरे मॉम डैड नहीं है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं इस अनजान दुनिया में कहाँ जाऊँगा, मेरा कोई अपना नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ, मुझे भूख भी
जाएगी यार दोस्तों, मैं कहाँ जाऊँ इस तरीके के बारिश में, अब मुझे यहाँ से निकलना भी है, नहीं तो ये वायरस मुझे खा जाएगा बहुत बुरी तरीके से। ये वायरस बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है दोस्तों, मुझे मास्क की जरूरत है, मैं कहाँ से लाऊँ, मुझे भूख भी लगी हुई है, मैं क्या करूँ। ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ धीरे धीरे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अरे अरे भीग गया मैं तो। ठीक है कचरे के डिब्बे में देखता हूँ शायद कुछ खाने को मिल जाए। अरे यार ये कचरे का डिब्बा तो एकदम खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत कस के भूख लगी है। अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये दुकान भी लगता है बंद हो गई है, यहीं खड़े रहता हूँ, शायद अभी खुले तो यहाँ से कुछ खाने के लिए ले लूंगा। सारे लोग डर के मारे हमारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, देख रहे हो भाई, दूर दूर तक लोग हमसे डर रहे हैं क्योंकि हम है कोरोना वायरस, जिसके अंदर जाते हैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और हमको खत्म करने का भी कोई एंटीडोट नहीं आया है जिसे हमें खत्म किया जा सके। बुढ़ाऊ रुक जाओ तो तेरे अंदर समा जाता हूँ, रुक जा है, कहाँ भागा जा रहा है, रुक 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 अब तुमको भी खाता है, भाग कर रहे हो कोरोना वायरस से बच नहीं सकते भाई, इसको भी खाते हम लोग, चलो आ जाओ। बच नहीं सकते बबुआ तुम, मैं तुमको खा लेंगे हम लोग, इसको खाली टच करो भाई। बेचारा मर गया, बताओ कोरोना वायरस से कोई बच सका, तुम बच जाइ होगा, कोई को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, चल भाई और हमला करते हैं सबके ऊपर। यार दोस्तों काफी बारिश हो रही है, मुझे सिंचैन का घर मिल नहीं रहा है, आखिर है किधर भाई, कहीं मैं ही बीमार ना पड़ जाऊं। यार दोस्तों इस तरीके के बारिश में बहुत टहलने से बीमार पड़ेंगे, सर्दी होगी और सर्दी में हमें कोरोना बहुत जल्द हो जाता है और हमें एडमिट भी नहीं करते यार दोस्तों ऐसे हालात में। ठीक है लगता है ये गली पीछे है सिंचैन की, इस साइड सिंचैन रहता है। ठीक है यार दोस्तों मौसम बहुत ज्यादा खराब है, मैं अपने साथ बैग इसलिए ले आऊं कि मुझे कोई अगर भूखा प्यासा मिलेगा उसको खाने के लिए दे दूंगा, क्योंकि बहुत से गरीब बेचारे मारे जा रहे हैं। ठीक है पहुंच चुका हूँ मैं सिंचैन के घर। ये क्या भाई, ओ ये क्या, ये तो सिंचैन के मॉम डैड है, दोनों के दोनों मर चुके हैं, और ये तो सिंचैन के लिए लगता है कोई गिफ्ट उफ्ट थी उसकी गाड़ी। घर के अंदर चल के देखता हूँ सिंचैन है कि नहीं घर के अंदर। सिंचैन भाई सिंचैन यहाँ पे नहीं है सिंचैन। ठीक है इधर चल के देखता हूँ, ओ भाई सिंचैन कहाँ है, लगता है सिंचैन घर छोड़ के भाग गया डर के मारे, कहीं ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यही कहीं होगा। फटाफट से बाइक उठाता हूँ और सिंचैन को ढूंढता हूँ, भाई इस बारिश में कहाँ वो घूम रहा होगा बेवकूफ, उसे घर छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मैं तो आता ना उसकी हेल्प करने। ठीक है ढूंढते हैं उसे, अरे चलते हैं भाई इधर कोई को ढूंढते हैं, मिला उसको कोरोना वायरस लगाते हैं मर जाएगा। चला 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 छोटंकू खड़े हैं, तुमको छू लेते हैं, तुमको दिन झेलना, प्लीज मुझे मत पकड़ो कोरोना वायरस। अरे तुमको छू लिया अब तुम दो चार महीना में टपक जाइयो, दो तीन दिन दो चार महीना एक महीना, चलो भाई वो छोटा बबुआ का तो हम छू के आ गए हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन छोड़ दिया है, चलो अब दूसरे पर हमला करते हैं। हले हल दोस्तों मैं भी इन्फेक्टेड हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं मर जाऊंगा, मुझे भी कोरोना वायरस ने टच कर दिया, मेरे अंदर इन्फेक्शन डाल दिया, अब मैं क्या करूं यार दोस्तों, प्लीज मुझे कोई बचा लो मुझे एडमिट कर दो हॉस्पिटल में वरना मैं मर जाऊंगा। फटाफट वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो फ्रैंकलिन सिंचैन को बचा लो वरना मर जाएगा। फ्रैंकलिन ओपी कहाँ, फ्रैंकलिन कहाँ हो तुम, प्लीज मुझे आके बचा लो। यार गाइस मैं काफी भीग गया हूँ, कहीं मुझे सर्दी ही ना लग जाए, फिर भी मुझे सिंचैन को ढूंढना है, सिंचैन ज्यादा दूर ही नहीं गया होगा, यहीं कहीं आसपास होगा। आखिर सिंचैन के बच्चे तू कहाँ चला गया भाई, ठीक है और यहाँ पे कौन मरे पड़ा हुआ है रास्ते में भाई, एक मिनट चल के उधर देखता हूँ, उधर को छोटा सा बच्चा खड़ा, अबे सिंचैन खड़ा हुआ है, फाइनली दोस्त सिंचैन हमें मिल चुका है। ओ भाई सिंचैन तू घर छोड़ के क्यों आ गया भाई, अगर तेरे मॉम डैड मर गए थे तो तुझे मुझे कॉल करना चाहिए ना, क्या तुझे कोरोना वायरस के बारे में पता है ना, कोरोना वायरस बहुत तड़के से फैल चुका है, मैं तुझे ढूंढते खुद भीग गया हूँ, तू ठीक है ना। पहले फ्लैंकिंग भैया मैं नहीं देखूँ, पहले तो ये कोरोना वायरस ने मेरे मॉम डैड को मार दिया, अब मुझे भी ये वायरस फैल गया है, मैं भी मर जाऊंगा। क्या
तुझे भी वायरस लग गया है। चल ठीक है, फटाफट से गाड़ी में बैठ, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। कोई फायदा नहीं फ्लैंकिन भैया, वैसे भी मैं मर ही जाऊंगा अपने मॉम डैड की तलीके। मेरे मॉम डैड तो मर ही गए और वैसे भी मुझे जीकल कोई फायदा नहीं। अरे फालतू बकवास मत कर, जल्दी से चल, टाइम से हॉस्पिटल पहुँच जाने से ना लोग मरते नहीं है। चला जा बैठ जा। ठीक है फ्लैंकिन भैया, मुझे तबीयत खराब हो रही है, मुझे ठंड लग रही है इस बारिश में। अरे तुझे घबराने की जरूरत नहीं है सिंचन, मैं तुझे बहुत तेज लेकर हॉस्पिटल पहुँचूंगा। अरे फ्लैंकिन भैया, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही, मेरी शरीर सुस्त हो रही है, अब मैं नहीं बचूंगा फ्लैंकिन भैया, मैं भी अपने मॉम डैड के अपने दोस्तों की तरह मर जाऊंगा। मेरे सारे दोस्त मर गए हैं, मेरे मॉम डैड मर गए, मेरा अपना कोई दुनिया में बच्चा ही नहीं फ्लैंकिन भैया, वैसे भी मैं जी के करूंगा भी क्या। अबे बेवकूफ, ऐसे छोटा दिल नहीं करते समझे ना, ऐसे हार नहीं मानते। चल मैं तुझे हॉस्पिटल में भर्ती करता हूँ, डॉक्टर तेरे इलाज करेंगे और तू ठीक हो जाएगा, समझा ना, तू दिल छोटा मत कर। बस तू घबराना, थोड़ी ही दूर पे हॉस्पिटल है, आने ही वाला, हम पहुँच जाएंगे। ठीक है मेडिकल सेंटर हम लोग पहुँच चुके हैं, चला जा सिंचन मेरे पीछे। तू ठीक है यार सिंचन, तेरी तबीयत कैसी है, कुछ आराम मिला तुझे? नहीं फ्लैंकिन भैया, पता नहीं क्यों मेरे शरीर ठंडी हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा। तू दिल छोटा मत कर सिंचन, मैं तेरे लिए एंटीडोज ढूंढ कर लाऊंगा कोरोना वायरस का, समझा ना, बस तू रेस्ट कर, आराम कर, फल फ्रूट खा, तुझे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर से मैंने बात की है, डॉक्टर ने कहा है कि इसका एक एंटीडोट होता है, उसे यहाँ से बहुत दूर बनाया गया है, अभी हमारे लॉस एंटोस में नहीं बना है, तो तुझे जाना होगा और उस एंटीडोट को लाना पड़ेगा। वो शहर वाले बहुत ही घटिया किस्म के इंसान है, वो अपने एंटीडोट किसी को देना नहीं चाहते हैं, तो तू घबरा मत, मुझे अपनी जान पे भी खेल के उस एंटीडोट को लाना पड़ा ना तो मैं लेकर आऊंगा, तू बस रेस्ट कर, समझा ना, हॉस्पिटल की वजह से भी हालत बुरी हुई पड़ी है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं सिंचन को एंटीडोट मिले और मैं वहां जाकर लेकर आऊं, तो कमेंट्स में पार्ट टू लिखिएगा ताकि सिंचन बच सके, वरना सिंचन को बहुत बुरी तरीके से कोरोना वायरस हुआ है, अगर इसे एंटीडोट नहीं मिला तो ये मर जाएगा। हाँ यार दोस्तों, फटाफट से मिली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में पार्ट टू लिख दीजिए, ताकि फ्रैंकलिन भैया जाके उस दूसरे देश से मुझे एंटीडोट ला सके जिससे मैं बच जाऊँ, वरना ये कोरोना वायरस से कोई नहीं बच सकता, सब मर जाएंगे। हाँ तो सिंचन तू रेस्ट कर, मैं चला दूसरे देश। और दोस्तों इस हॉस्पिटल के हालात बहुत बुरे हुए हैं, अब मुझे निकलना चाहिए फटाफट से लेने के लिए एंटीडोट, यहाँ पे बारिश भी नहीं रुक रही यार दोस्तों, माहौल बहुत खतरनाक हुआ पड़ा है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है भर्ती होने के लिए, इतने ज्यादा लोग यहाँ भर्ती हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको सिंचन को ठीक करना है तो कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखिएगा।